ये पोस्टर पॉलिटिक्स से निकलकर आपने आज तक देश के लिए क्या किया? गरीबी दूर करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, महंगाई घटेगी, काला धन वापस आएगा। ये पोस्टर पॉलिटिक्स से निकलकर आपने आज तक देश के लिए क्या किया? गरीबी दूर करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, महंगाई घटेगी, काला धन वापस आएगा। 14 में राम के सहारे बीजेपी को मिली राजगद्दी, तो अब 2024 के लिए हनुमान खड़े हैं। हनुमान, बीजेपी के हनुमान, मोदी के हनुमान। और कुछ समझना है तो तस्वीर देख लीजिए। जी हाँ, 24 की नैया अब हनुमान के सहारे मोदी की सेना पार लगाएगी। तभी तो अमित शाह के बिहार आने से पहले उन्हें हनुमान बनाकर खड़ा कर दिया। होर्डिंग में हनुमान दिख रहे हैं, बगल में राम जी हैं। राम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के समर्थकों ने बहुत सोच समझकर इस होर्डिंग को लगाया है। मकसद साफ है, 25 फरवरी को अमित शाह बिहार आ रहे हैं, उससे पहले बिहार को राममय बना दो। पटना के बीजेपी दफ्तर के बाहर यह होर्डिंग लगी। 25 के पहले की यह होर्डिंग कहानी कह रही है। 25 माने 2025 नहीं, बल्कि 2024 की लड़ाई के लिए 25 फरवरी को अमित शाह बिहार से हुंकार भरने वाले हैं। यह होर्डिंग बताता है कि 25 फरवरी को क्या होने वाला है। मसलन, बिहार अब राममय होने वाला है, बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। भाजपा ने हमेशा अपनी कार्यशैली से इस बात को साबित किया है कि उनके लिए राजनीति में धर्म एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी हाल के पोस्टर्स को ही देख लीजिए, अमित शाह जी को हनुमान बताने में और प्रधानमंत्री जी को राम बताने में लगे हुए हैं। देश की जनता इनसे पूछना चाहती है, ये पोस्टर पॉलिटिक्स से निकलकर आपने आज तक देश के लिए क्या किया है? बड़े बड़े वादे करके आप सत्ता में आए थे, आपने कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, महंगाई घटेगी, काला धन वापस आएगा, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। बहुत सारे ऐसे वायदे थे जो आप लोगों ने पूरे नहीं किए। आज उन बातों का जवाब देना बेहद आवश्यक है, इसलिए पोस्टर से बाहर चले आइए। जिस प्रकार से 2014 के चुनाव में अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, मोदी जी के हनुमान बनकर उन्हें संजीवन बूटी लाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की 73 सीटों पर जीत हासिल करा कर करके पूरे पहाड़ को उठाकर लाए हैं। इस बार गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार का ऑपरेशन करेंगे और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर 40 की 40 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे।